हरियाणा राज्य महिला आयोग की सदस्य सुमन बेदी आज भिवानी पहुंची। भिवानी पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुमन बेदी ने कहा कि राज्य सरकार महिला अपराधों के प्रति संवेदनशील है तथा मुख्यमंत्री ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मामलों को गंभीरता से लेते हुए आयोग द्वारा भेजे गए सुझावों को माना है तथा कई फैसले भी लिए हैं। उन्होंने कहा कि इन फैसलों के बाद महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों में कमी आएगी। सुमन बेदी ने ये भी कहा कि महिला थाने महिलाओं के लिए सही हैं, वे अपनी शिकायतें बिना किसी हिचकिचाहट के दर्ज करवा लेती हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि महिला थानों की प्रतिदिन शिकायतें बढ़ रही हैं और इसे लेकर आयोग संवेदनशील है। सुमन बेदी ने कहा कि बच्चियों के साथ अपराध कम हो इसके लिए पूरे प्रदेश भर में कैंप चलाए जाएंगे, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट व मुस्लिम मैरिज एक्ट के साथ साथ सभी प्रकार के एक्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे, उन्हें अपने अधिकारों के लिए किसके पास जाना चाहिए ऐसी सारी जानकारियां भी दी जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूल व कॉलेजों में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी लड़कियों को दी जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की स्थिति से वे लड़ सकें। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए हर तरह से हरियाणा राज्य महिला आयोग प्रयासरत है। अभी हर डिस्ट्रिक्ट में हम ग्रामीण स्तर पर ही 4 अवेयरनेस कैंप लगाएंगे एक जिले में, जो कि गांव में ही लगाए जाएंगे, वो 2 दिन के होंगे, जिसमें महिलाओं को उनके अधिकारों की कानूनों की जानकारी पूरी तरह से दी जाएगी, चाहे वो मैरिज एक्ट के तहत हो या फिर उनके कानून अधिकार जो और हैं, जो कानून द्वारा दिए गए हैं, उनके सामाजिक अधिकार क्या हैं, उन सब की उनको जानकारी दी जाएगी। सुमन बेदी ने कहा कि राज्य महिला आयोग जेलों में भी पहुंच रहा है तथा अपराधियों की मनोचिकित्सा के बारे में भी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि अपराधी का सजा मिलने के बाद अगर उसकी मनोदशा ठीक नहीं होती है तो वो दोबारा अपराध करता है, ऐसे में उसकी मनोचिकित्सा होनी जरूरी है ताकि सजा काट के आने के बाद वो एक अच्छा नागरिक बन सके। इसके लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि मनोचिकित्सक की व्यवस्था के लिए भी आयोग प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि महिला आयोग स्कूलों में लड़कियों को जागरूक करेगा तथा उन्हें बैड टच व गुड टच के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पुरुष पुलिस महिला अपराधों के प्रति संवेदनशील हो इसके लिए भी उन्होंने डीजीपी के साथ बैठक की है ताकि पुलिस अधिक संवेदनशील हो सके और अपराधों पर अंकुश लग सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो महिलाओं के हक में कुछ और नए कदम उठाए हैं वो सराहनीय है, और इस तरह के कानूनों से, इस तरह की योजनाओं से कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को बल मिले।